लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट इज परमनेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू पेरिनकाइमा कॉलनकाइमा स्लैरनकाइमा वो सिंपल टिश्यूज थे हमने देखा कि वो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए थे अब यहाँ आप अगर देखोगे पिक्चर ड्रॉन है कि ये टिश्यू जो है कॉम्प्लेक्स टिशू एक से ज़्यादा टाइप की डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिल फॉर्म होते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसमें दो टाइप के टिश्यूज आते हैं ज़ाइलम एंड फ्लोयम दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं इनको हम वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट में वाटर मिनरल या फूड्स जो भी मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू हैं वो कंडक्टिंग टिश्यू हैं और वो वेस्कुलर टिश्यू हैं एंड दे आर ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप दे कैन मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो इस तरह का टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू है सबसे पहले हम ज़ाइलम की बात करेंगे ज़ाइलम वो टिश्यू है प्लांट में जो आ, रूट से वाटर और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्लांट की पूरी बॉडी में जो वाटर पहुंचता है ईच एंड एवरी सेल जो वॉटर को रिसीव करती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो है जायलम जाइलम जो है वो एक तरह का ऐसा टिश्यू है जो कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना है नाउ कौन कौन से कंपोनेंट जाइलम में प्रेजेंट हैं फर्स्ट कंपोनेंट ट्रैकिट्स है सेकेंड कंपोनेंट वेसल्स है थर्ड कंपोनेंट जाइलम फाइबर्स है और फोर्थ कंपोनेंट जो है एलिमेंट जो है वो है जाइलम पेरनकाइमा तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जब हमने पेरन पढ़ा जब हमने कॉलन कायमा पढ़ा जब हमने स्क्लेरिन कायमा पढ़ा तो वो सारे सेल्स एक तरह के थे यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट टाइप का सेल बनाया है, जो उसका कायमा है ज़ाइलम एक मैंने वेसल ड्रॉ किया है जो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है और ट्रिकीट्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वाई जाइलम टिश्यू इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू

जालम कंडक्शन में जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में तो यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेजर कंपोनेंट होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में राइट right? नाउ अगर हम ट्रिकीट्स की बात करते हैं तो ट्रिकीट्स स्ट्रक्चर वाइज इलांगेटेड स्ट्रक्चर हैं लॉन्ग है लॉन्गेटेड सेल्स हैं लिग्निफाइड है, है, है यानी कि इनकी सेल वॉल्स में लिग्निन डिपॉजिट होता है तो ये डेड सेल्स हैं प्रोटोप्लाज uh, नहीं है प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा क्योंकि डेड सेल्स हैं टेपरिंग एंड्स हैं आप देख सकते हो पॉइंटेड एंड्स के साथ एंड दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स ट्रिकीट्स जो मेजर कंपोनेंट है सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे ट्रिकीट्स uh, में हम एक बात और देख सकते हैं कि आप देखिए डिफरेंट पैटर्नस दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्रिकीट्स में तो इनकी जो इनर वॉल है वो पैटर्न्स बनाती है डिफरेंट uh, तरह का अरेंजमेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग्स लिग्निन की डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स की वजह से अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वेसल्स जो हैं यहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि वेसल वो स्ट्रक्चर है जो एनजोस्पम्स में प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म, जो अनदर जस्ट बिफोर जो ग्रुप आता है एनजियोस्पम से पहले जिम्नोस्पाम्स उनमें वेसल्स नहीं होते हैं तो एनजियोस्पाम ही वो स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट हैं और टेरिस्टियल प्लांट्स जो टेडोफाइट्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू अपीयर होता है सिंपल uh, टाइप का होता है तो यहाँ पे एनजियोस्पाम uh, की स्पेशलिटी हो जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स की कि दे हैव वेसल्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पाम जिम्नोस्पाम एक ग्रुप लैक्स वेसल्स वेसल्स भी आप देख सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं एक ट्यूब है इनका जो ब्रॉड होती हैं ट्यूब ल्यूमन आप देखो सेंटर में ब्रॉड है डेड होती है इनमें भी प्रोटोप्लाज नहीं है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं इनके जो मेंबर्स हैं जैसे मैं डिफरेंट टाइप की वेसल सेल्स मिलके इनके एक वेसल बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक वेसल ड्रॉ किया है और ये डिफरेंट वेसल मेंबर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एक वेसल सेल देन अदर देन थर्ड वेसल सेल तो ये जो ज्वाइनिंग है इनके जो कॉमन वॉल में परफोरेशन है परफोरेशन दिखता है उसकी हेल्प से ये जॉइन रहती हैं इसको जाइलम ट्रिकीड और वेसल्स को हम एक एनालॉगस एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं सपोज़ आपका घर है उसमें आपके वॉशरूम में आपके किचन में आपकी बालकनी में पाइपलाइंस uh, हैं जो वाटर का सप्लाई करती हैं सिमिलरली एक शहर के अंदर डिफरेंट uh, uh, घरों में हाउसेस में वाटर की सप्लाई के लिए पाइपलाइंस होती हैं और वाटर उन पाइपलाइंस के थ्रू uh, हर इंडिविजुअल हाउस की जो वाटर डिमांड है वाटर सप्लाई है उसको पूरा करता है तो इसी तरह प्लांट्स में भी रूट से जो वाटर अपवर्ड मूव करता है वो इन्हीं पाइप चैनल्स से मूव करता है तो इसीलिए वेसल्स और ट्रेकिट्स वो मेजर कंपोनेंट हैं जो एक तरह की पाइपलाइंस बनाते हैं यानी एक प्लांट बॉडी में पाइप चैनल्स का पाइपलाइंस का नेटवर्क है जाइलम की पाइपलाइंस जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेंगी वो ट्रैकिट्स और वेसल से मिल बनी होती हैं और फ्लोयम जब टिश्यू पड़ेंगे तो वहाँ भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं सीव ट्यूब्स होती हैं वो डिफरेंट तरह के पाइप्स हैं जिनमें फूड फ्लो करता है सो इन दिस वे इसको हम एक बहुत कॉमन लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे प्लांट सिटी के अंदर पाइप चैनल्स का नेटवर्क है पाइप हैं फॉर द फ्लो ऑफ वाटर उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर उसी तरह प्लांट्स uh, में भी वाटर और मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पाइपलाइंस है हैं उन पाइपलाइंस को हम जाइलम कहते हैं और वेसल्स और कीड्स उस पाइप को बनाते हैं जो मेजर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं कंडक्टिंग सेल्स हैं नाउ कम टू थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट जो है वो स्लेरन काइमेटर्स जाइलम फाइबर्स होते हैं जैसे हमने स्लेरन कायमा पढ़ा तो हाईली थिकन वॉल होती हैं इनमें लिगनिन डिपॉजिट होता है सेम फीचर जो स्क स्लेरन कायमा में हमने पढ़े जो उसके फाइबर सेल्स होते हैं उनमें टेपरिंग एंड्स हैं ल्यूमन जो है वो बहुत नेरो होता है टेपरिंग एंड्स हैं ल्यूमन जो है बहुत नेरो है हाईली थिकन सेल वॉल है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिगनिन तो ल्यूमन बहुत रिड्यूज हो जाता है तो इस तरह के एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको फाइबर्स जयलम फाइबर्स कहते हैं ये सेप्टेड भी हो सकते हैं ए सेप्टेड भी सेप्टेड uh, मीन्स उनमें पार्टीशन लाइन्स हैं ए सेप्टेड में पार्टीशन लाइन्स नहीं होते नेक्स्ट कम्पोनेंट जो फोर्थ कम्पोनेंट है जायलम का उसे जायलम पेरनकाइमा नॉर्मल पेरनकाइमेट सेल्स जैसे हैं

स्टोरेज ऑफ फैट्स स्टार्च देन समर सब्सटेंसेज लाइक टेनिन्स आर ऑल्सो डिपोजिटेड इन जायलम पेरनकाइमा और जो प्लांट के अंदर लेटरल रेडियल कंडक्शन होता है उन उसमें भी ये हेल्प करती हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू पेरनकाइमेट रेज ये वाटर को लेटरली भी कंडक्ट करती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ जाइलम Uh, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए हो गया कि इसमें आपने देखा पेरन कायमा भी थी इसमें स्लैरन कायमा भी थी और दो वेसल्स uh, थी और ट्रेकिड्स थी फोर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलके इस टिश्यू को बना रहे हैं जो वाटर को रूट से मिनरल्स को रूट से लेके प्लांट के पूरे प्लांट पार्ट्स में फ्रॉम रूट टू टिप पोर्शन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है